खबर है रीवा से, जहां रीवा में आरक्षक के वायरल वीडियो पर एसपी का तत्काल एक्शन देखने को मिला है। एसपी ने वायरल वीडियो में आरक्षक पर लगे वसूली के आरोपों के बाद तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया है और जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल रविवार को सोशल मीडिया में पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक अमित सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में आरक्षक एक घर के बाहर खड़ा था, जो नशा कारोबारी का घर बताया जा रहा है, और आरक्षक के पास ही खड़ा दूसरा व्यक्ति नोट गिनते नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि आरक्षक नशा कारोबारी से वसूली कर रहा था। बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो सिटी कोतवाली थाने के धोबिया टंकी इलाके का है। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होते ही एसपी ने इसे न सिर्फ संज्ञान में लिया, बल्कि रक्षित केंद्र में पदस्थ आरक्षक को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया गया कि आरक्षक रक्षित केंद्र में पदस्थ होने के बाद भी कोतवाली थाना क्षेत्र में वसूली करता था। बहरहाल आरक्षक पर लगे आरोपों और वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है, यह जांच के बाद ही पता चलेगा, जिसका आदेश एसपी ने जारी कर दिया है। एक वीडियो आज वायरल हो रहा है, विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से उसकी जानकारी मिली, और जिसमें जब तस्दीकी की गई तो ये पता चला कि ये अमित सिंह नाम का एक आरक्षक है, जो कि पुलिस लाइन में पदस्थ है। अभी घटना दिनांक वो सहची नहीं क्लियर है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो संदिग्ध हैं, लेन देन उसमें होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन जो भी परिस्थितियाँ, क्योंकि जो जगह है वो वहाँ से एक NDPS आरोपी को गिरफ्तार किया गया था उधर से, तो इस प्रकार से जो परिस्थितियाँ सारी निर्मित हुई हैं उसके आधार पर उस आरक्षक अमित सिंह को अभी सस्पेंड किया गया है, और जो CSP शिवाली चतुर्वेदी हैं उनको जांच की जा रही दिया गया है। जैसा जांच में पाया गया है वो हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, लगातार देखा जाता है कि पुलिस कभी कभी रिमांड करते हैं, कभी पैसे दे पहुंच जाते हैं, कुछ वार्तालाप का कई बार ऑडियो वीडियो समझाते हैं, इन्हें क्या हिदायत देंगे आप? सभी को हिदायत है और सभी नागरिकों को भी हिदायत है कि किसी कार्य के लिए जो निश्चित है उसमें कोई पैसे के लेन देन ना करें। कोई अगर पुलिसकर्मी करता है तो उसमें मेरे पास जानकारी दें और उसके खिलाफ तत्संबंध में कार्रवाई की जाएगी, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी, और सभी पुलिसकर्मी को लगातार इस तरह की हिदायत और चेतावनी भी दी गई कि कोई ऐसा कृत्य करते पाया जाएगा जो संदिग्ध है या तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें